हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लिए ना। उसमें मैं थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर भी चर्चा किया हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखना, फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंचे। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा प्रशासन के सिद्धांतों को तय करता है, जो राज्य को अन्य बातों के बीच इन अनिवार्य कार्य जैसे सामाजिक स्तर और असमानता को खत्म करने तथा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए करने और भौतिक संसाधनों की स्वामित्व का वितरण और नियंत्रण जैसे कार्यों को करने के लिए प्रयास करने का बाध्य करता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के चौथे भाग में किया गया है। ये तत्व शासन व्यवस्था में मूल आधार है, शासन व्यवस्था के मूल आधार है। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। सामूहिक रूप से ये सिद्धांत भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का अवलोकन, यानी जो इसका वर्णन किया गया हमारे संविधान में, वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक 16 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 36 और 37। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश में शासन के मूलाधिकार है और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये सिद्धांत किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम न्यायालय में उस परिवर्तनीय है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है, राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और समुदायों की भौतिक संपदा की स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिसे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो। अर्थात यानी कि सरकार जितने भी नीति और कानून को बनाए, उसमें ये जितने भी सुविधा दिया गया है, वो किसी एक हाथ में न होकर उसका वितरण करे, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अनुच्छेद 39(क) में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस तरह से काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो। इस आदेश के लिए राज्य उपयुक्त विधान या योजना द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायक की व्यवस्था करेगा, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य किसी नियोक्ता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। इसीलिए हमारे संविधान में जब भी कोई हमें ये कहता है कि हम अपना जो वकील नहीं पेश कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट एक वकील उसे किसी भी मामले में सुनवाई के लिए, जो गंभीर मामला होता है, उसकी सुनवाई के लिए पेश करता है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। जैसे कि हमारे राज्य में अभी भी हमारे देश में पंचायती राज की व्यवस्था है, वो अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम अन्य अभाव की काम शिक्षा और बेकारी बुढ़ापा
बीमारी और निष्क्रियता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार को प्राप्त कराने की प्रभावी उपलब्ध करेगा। अर्थात अभी भी हमारे देश में देख रहे हो दोस्तों कि जितने भी ब्यूटा बिल्स मिल रहे हैं, जितने भी कोई भी आपदा आ जाता है तो उसमें सरकार जो सहायता करता है वो अनुच्छेद 41 के तहत करता है। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्यायसंगत और मनवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति सहायक के लिए उपबंध करेगा, ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 राज्य जनता के लिए काम निर्वाह मजदूरी विशेष जीवन स्तर अवकाश तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य कुटीर उद्योग की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा। दोस्तों ये जो अनुच्छेद है इसे गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ही थे जिन्होंने कुटीर उद्योग और सामाजिक संस्कृति, ये जितने भी निर्वाह मजदूरी और जो कमजोर वर्ग थे उनको सशक्त बनाने का जो प्रयास किया था, तो वो गांधी जी के विचारों से ही इस अनुच्छेद को लिया गया है। अनुच्छेद 43 को राज्य उपयुक्त विधान अथवा अन्य किसी रीति से किसी उपयोग में लगे हुए उपक्रम संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 ख राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन समेत लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंध को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। जितने भी कानून बनते हैं वो अनुच्छेद 40 के तहत सभी नागरिकों को समान रूप से सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होता है, भारत के नागरिकों के ऊपर। अनुच्छेद 86वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों से संबंध इस संशोधन के अनुसार राज्य अभिभावकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने बच्चों को 6 से 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्य सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के कमजोर वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधि का निषेध करेगा। जैसे कि हमारे बिहार में जो अनुच्छेद अभी शराबबंदी चल रहा है तो वो अनुच्छेद 47 के तहत ये बंदी है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 को राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। न्यायपालिका एक स्वतंत्र जो संस्था है वो बना रहे हैं ताकि न्याय सभी को प्राप्त हो, इस पर न्यायपालिका पे किसी भी कार्यपालिका को कोई दबाव ना डाल सके। अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 में चार कुछ ये दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सामान्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। संविधान के अन्य भागों में निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 50 क में प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर संस्थानीय प्राधिकरण या
प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। ये संविधान के अन्य भागों में है, लेकिन इसे भी न्यायालय द्वारा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों को ही माना गया है। अनुच्छेद 51, संघ का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाओ, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 35, संघ या राज्य के कार्यकाल से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए संगठित के अनुसार ध्यान रखा जाए। यद्यपि अनुच्छेद 35, 350 और 351 संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, किंतु न्यायालय द्वारा इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत की श्रेणी में संयोजित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, दोस्तों मैंने ये जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत है, मैंने उसका जो संविधान में जैसे जैसे लिखा गया है वो से मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद बाय, लेकिन इसका जो वर्गीकरण करेंगे हम किस आधार पर करते हैं ये देखते हैं। संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। समाजवादी, ये सिद्धांत समाजवाद के अवलोकों में है। ये लोकतांत्रिक राज्यवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनकी लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्त करते हैं। इनमें निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल है, अनुच्छेद 38, 39, 39(41), 42, 43, 43(47), ये जो है ये सभी अनुच्छेद समाजवादी से रिलेटेड है। गांधीवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत गांधीवादी विचारों पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनः स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधि करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। इनमें निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल है, अनुच्छेद 40, 43, 43(ख), 46, 47 और 48। अनुच्छेद जो है ये गांधीवादी अनुच्छेद है, जिसे गांधी जी के विचारों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। उदार बौद्धिक सिद्धांत, इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता के विचार से संबंधित है। इनमें निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल है, अनुच्छेद 44, 45, 48, 48(ख), 49, 50 और 51। नए निर्देशक तत्वों, जो नए निर्देशक तत्व जो संविधान में लागू किया गया है संविधान लागू होने के बाद, वो है 42 संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्वों की मूल सूची में 4 नए तत्वों को जोड़े गए। इनमें अनुच्छेद शामिल, इनमें निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल है, 39, 39(ख), 43(ख) और 48(ख), जो ये अनुच्छेद जो 4 अनुच्छेद है इसे 42 संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं पहले जो मैंने जितने भी अनुच्छेद बताए उसमें आप देख लेना कि अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 39(ख) क्या कहता है और 43 और 48(ख) क्या कहता है, उसमें आप देख सकते हैं। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में एक और नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया जो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया, और 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में अनुच्छेद 43(ख) को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इस प्रकार है। जन शिक्षा की दृष्टि से महत्व, ये सिद्धांत राज्य के उद्देश्य या लक्ष्यों के बारे में जानकारी देता है। इन सिद्धांतों का अध्ययन से पता चलता है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी प्रशासनिक ढांचे की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। अतः इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिक के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से महत्व,
लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है, कभी एक दल की सरकारें तो कभी दूसरे दल की सरकारें। सभी दलों की नीति अलग अलग होती है। कुछ दल क्रांतिकारी विचारों धारा के होते हैं तो कुछ रूढ़िवादी होते हैं, परंतु सरकार चाहे किसी भी दल के हो उन्हें इस सिद्धांतों के अनुसार ही अपनी नीतियां ढालनी पड़ेगी। इस प्रकार निर्देशक सिद्धांत से प्रशासन में स्थिरता आएगी। न्यायालय के लिए मार्गदर्शक का कार्य। भारतीय न्यायालयों ने कई बार मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए नीति निर्देशक तत्वों से मार्गदर्शन लिया है। उदाहरण के लिए बॉम्बे बनाम FM बालसराय वाले विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 47 के आधार पर निर्णय दिया। शासन ने मादक द्रव्य निषेध अधिनियम पास करके उचित प्रतिबंध ही लगाया था। संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत देश में शासन में मूलभूत है, जिसका तात्पर्य यह है कि देश में प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्रों एवं उनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायालय भी शासन के एक महत्वपूर्ण अंग है। इस आधार पर अपेक्षा है की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। कार्यपालिका पर अंकुश। विधानसभा के सदस्यों तथा कुछ संविधान विताओं के ने यह संदेह व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वो निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना संभावित कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि के अस्वीकृति करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृति करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे संविधान में दिया गया है उसका व्याख्या किया है। अगली वीडियो में इसके महत्व और जो संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में टकराव है जो उसके मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।